सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजोएका के जिलाधिकारी महोदय ने औचक निरीक्षण दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजोई में अनुपस्थित डॉक्टर व कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के भी निर्देश दिए। थाना हयात नगर, तहसील संबल, जिला अस्पताल संबल का भी किया निरीक्षण। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजोई का औचक निरीक्षण किया, जिसमें काफ़ी कमियां पाई गई, जिनको लेकर जिलाधिकारी महोदय ने नाराजगी व्यक्त की एवं अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए एवं उन्होंने कहा कि अस्पताल में कार्य में गति लाई जाए, कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जाए, जिससे आने वाले मरीज एवं पीड़ित लोगों को उचित इलाज एवं समय से दवा उपलब्ध हो सके। जिला संयुक्त चिकित्सालय संबल का निरीक्षण किया, वहां की सभी व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं को विस्तार पूर्वक देखा एवं आपातकालीन वार्ड, लेबर वार्ड, ओटी, एक्सरे रूम आदि का निरीक्षण किया एवं साफ सफाई की व्यवस्था को देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि साफ सफाई की व्यवस्था सही पाई गई है और उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सिटीजन चार्टर की व्यवस्था की जाए। निरीक्षण रहा आपने, सर भैजोई में भी किया, अभी सर संबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी किया है, सर क्या था सर पूरा और क्या मिला? जिला संयुक्त चिकित्सालय का आज यहाँ पे निरीक्षण किया है, यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को देखा गया, क्या क्या हमारे पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको उससे सामना करने के लिए हमारे पास क्या तैयारियां हैं, आज उसको यहां पे देखा गया। ज़िला चिकित्सालय में यहां पर सब चीज़ें ठीक पाई गई, साफ़ सफाई अच्छी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और जैसा बताया गया कि कायाकल्प योजना में भी इस अस्पताल को पुरस्कृत किया जा चुका है। सुबह आज CHC भैजोई का भी निरीक्षण, औचक निरीक्षण किया गया था, वहाँ पर कुछ कमियाँ पाई गई, कुछ चिकित्सा अधिकारी और कुछ कर्मचारी जो हैं वो अनुपस्थित पाए गए, उनका एक दिन का वेतन काटा है और साथ ही साथ जिस प्रकार से जिला चिकित्सालय में हर चीज़ का एक व्यवस्थित रूप से लोगों की सुविधा के अनुसार प्रदर्शन किया गया है, कहाँ पे कौन डॉक्टर बैठते हैं, कितने समय तक के लिए बैठते हैं, उसी प्रकार से CMO को निर्देशित किया गया कि हमारे CHCs पर भी यही व्यवस्था लागू की जाए और लोगों को सुविधा देने के लिए सिटीज़न चार्टर का प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया।